स्टेट जॉनसन के पास मौजूद, बट अभी भी सर्कल उससे थोड़ी दूरी उनको वो तय करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ गुजरात टाइगर्स के जैक्सन, उनको टेक डाउन किया जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी जो वहां पे सर्वाइव होते हुए नजर आएंगे, बट एम गॉड वो आगे आएंगे, जॉनसन को स्पॉट किया और उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने एम गॉड को देखा कि कितने आसानी से वो जॉनसन का पीछा कर रहे थे, उनको भी पता चल चुका था कि हाँ ये गॉडलाइक के स्क्वाड है और इन्हें अंकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए उन्हें भी पता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पीछे रह गए और यहाँ से वो कितने भी अंक ले पाए तो वो 16 के अंदर अभी भी बहुत मुश्किल है कि पहुंच पाए, पर जो जा रहे हैं अगर आप उनको अपने साथ लेकर जाते हो वो एक अलग खुशी मिलती है, और एम गॉड उस तरीके से पीछा करते हुए दिखाई दिए, चारों खिलाड़ियों को उन्होंने समाप्त किया। मुझे लगता है गॉडलाइक थोड़े प्रेशर में नजर आई जिस तरह से वो रोटेट कर रहे थे और फाइट्स में जो इंक्लूजन दिखाया उन्होंने, एक एक प्लेयर थोड़ा सा अलग अलग जगह पे फंस गया था, थोड़ा प्रेशर नजर आया उनके ऊपर। वहीं अगर दिक्कत जो है वो टीम गॉडलाइक के साथ हो सकती है, इस मुकाबले में मात्र 3 अंक वो लेके गए जैसा आपने बोला भी कि वो जो प्रेशर है वो सीव कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो उनका स्ट्रॉन्ग मैप है, शुरुआत में आप लोगों ने वो एनालिसिस करके बताया कि किस प्रकार से सैनहॉक और विकेंडी का एक मैप है जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है टीम गॉडलाइक के लिए, मीरामार इरांगल बढ़िया जाता है, तो अपने स्ट्रॉन्ग मैप में मात्र 3 अंक एक बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए। ये एक चीज अच्छी है उनके लिए कि आज और मैचेस नहीं है, ये खराब मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड वो नहीं करेंगे, एक ब्रेक मिलेगा, अपनी गलतियों से सीखेंगे, वो पैनिक को कम करेंगे और प्रेशर को कहेंगे यार क्या होगा। ग्लैडिएटर्स वाली सोच मेरे ख्याल से बहुत सही है कि एक्सपेक्ट करो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, तो फिर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगी अपनी जिंदगी में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।